शहर की कृषि उपज मंडी का सहायक निरीक्षक ठेला संचालक से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। उज्जैन कृषि मंडी में जब्त ठेला को वापस करने के लिए रिश्वत लेते हुए मंडी के सहायक निरीक्षक रंगे हाथ पकड़े गए। लोकायुक्त डीएसपी वेदांत शर्मा ने कार्यवाही करते हुए उन्हें पकड़ा। कृषि मंडी के सहायक निरीक्षक को लोकायुक्त ने 2,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए ठेले को छोड़ने के एवज में फरियादी भागीरथ खंडेकर से 10,000 रुपये मांगे थे। इस मामले में सहायक निरीक्षक राकेश रायकवार और सत्यनारायण बजाज आरोपी बने हैं। आरोपी सहायक निरीक्षक सत्यनारायण बजाज ने कृषि मंडी के कर्मचारियों के साथ 17 जुलाई को फरियादी भागीरथ का ठेला चोरी का माल ले जाने की शंका में जब्त कर लिया था। इसके बाद वो ठेला गाड़ी को छोड़ने को तैयार नहीं था। इसके एवज में सत्यनारायण बजाज ने 10,000 रुपये मांगे थे। भागीरथ ने पैसे देने में असमर्थता जताई। इसके बाद 5,000 रुपये मांगे। आखिरकार 2,000 रुपये में डील पक्की हो गई। मैं मंडी प्रांगण में ठेला गाड़ी चलाता हूँ। दिनांक 17/7 की घटना है। मैं दोपहर के 2 बजे 2:30 बजे के करीब मेरा काम खत्म हो गया था, तो रोटी खाने जा रहा था भोजनशाला में। एक परिचित आया, मैं ठेला गाड़ी लेके जा रहा हूँ। मैंने उसको मना भी करा कि ठेला गाड़ी मत ले जाना। मेरे मना करने के बाद भी ठेला गाड़ी उठा के ले गया। ठेला गाड़ी से उसने खेप भी डाल दी। दोस्तों आते टाइम राजीव दोस्त घर पर वापस कट्टा छोड़ करके ला रहा था ठेला गाड़ी में। किसान ने पकड़ लिया उसको। किसान ने पकड़ा तो ठेला गाड़ी मेरी छोड़ के भाग गया। उसके बाद में वो उसको पुलिस ने पकड़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरी ठेला गाड़ी आज ही मंडी में जब्ती में पड़ी है। अच्छा। और मंडी को ठेला गाड़ी छोड़ने के एवज में बजाज जी ने 2,000 रुपये मांगे। सोमवार को पैसा देने मंडी पहुंचे भागीरथ से सत्यनारायण बजाज ने राकेश को रुपये देने के लिए बोला था। इसकी शिकायत भागीरथ ने लोकायुक्त में कर दी। सोमवार को जब वो राकेश को रुपये दिए, इसी दौरान उज्जैन लोकायुक्त डीएसपी वेदांत शर्मा ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस आशय की शिकायत की हमने आवेदक से तस्दीक कराई गई। आवेदक से जो है उसका मंडी में कार्य करने का लाइसेंस प्राप्त किया गया और उसका जो है ठेले का बिल उससे लिया गया और उसके आवेदन से उसको बातचीत कराने के लिए सत्यनारायण बजाज के पास भेजा गया। जब बातचीत में इस बात की पुष्टि हो गई कि सत्यनारायण बजाज द्वारा पैसे की मांग की जा रही है और इसको 2,000 रुपये लेकर के आज सोमवार दिनांक 9 तारीख को इस कार्यालय में बुलाया था, परंतु पानी बरसने के कारण सत्यनारायण बजाज आज कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। जब आवेदक ने उनको फ़ोन लगाया तो आवेदक द्वारा सत्यनारायण बजाज द्वारा आवेदक को यह बताया गया कि आप मेरा सहयोगी है निरीक्षक रायकवार, राकेश रायकवार, उसको आप पैसे दे दीजिए। जैसे ही उसने आवेदक ने उसको पैसे दिए तो राजेश रायकवार को हमने 2,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसमें दोनों व्यक्तियों को आरोपी बना